अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नरमीन्स किचन। हम आज बनाने जा रहे हैं बड़ी स्पेशल कलेजी की रेसिपी। कलेजी हमने ली है, इसके साथ हमने जो दिल है वो भी लिया है, और इसके साथ ये जो लीवर इसका होता है वो भी हमने ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ईद वाले दिन बनाई जाती हैं। ये देखें, कलेजी का पीस है, ये बहुत छोटा छोटा हमने इसको काटा है। अगर आप बड़ा चाहें तो बड़े भी कर लें, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ईजी आप इसको खा सकते हैं। ये हमने आपको तीनों जो है पीस दिखा दिए हैं, हार्ट का और ये लिवर के पीस। ये तमाम ऐसे हमने इनको सिरके से वॉश किया और हमने इसको अच्छे से इसका पानी जो वो निकाल दिया। बड़ा साइज़ का अगर आप पीस रखेंगे तो उसमें एक तो स्मेल होती है, तो दूसरा उसको तोड़ना और खाना मुश्किल होता है। छोटे पीसेस करेंगे, ईजी आप इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े का ये बनेगा, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। सिरके से ज़रूर वॉश करें ताकि जो इसमें ब्लड वगैरह वो इसका जो है वो सारा रिलीज़ हो जाए। मिट्टी की हांडी ले ली है हमने, ये तकरीबन 2 kg के करीब है, ये हमने इसमें डाल दी है। 1.5 tablespoon कुटी और पिसी मिर्च मिक्स जाएगी, 1 tablespoon नमक है, 1/2 teaspoon इसमें हल्दी है और 1 tablespoon इसमें ज़ीरा जाएगा। ये हमारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 large size के टमाटर लिए हैं, छिलका उतार दिया हमने इसका। ये स्मॉल साइज़ के प्याज थे, मीडियम है तो 2 ले लें। 15 इसके लहसुन के जोए हैं वो चले जाएंगे इसमें, ये हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इनको मोटा मोटा डाल दिया क्योंकि ये जब गल जाएगा तो ये बिल्कुल भुनाई के टाइम पे मिक्स हो जाएगा। 1 liter इसमें पानी जाएगा। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सादा। ये हम इसको अब मिक्स कर देंगे और एक से दो उबाल आने के बाद हम आपको दिखाएँगे। कवर कर दें इसको, ये देखें इसके ऊपर ये जो बबल्स बने थे, झाग सी आई थी, वो हमने उतार दी है। अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए, इसको हम छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटा, इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। दरमियान में आप इसके चम्मच चलाते रहें, क्योंकि मिट्टी की हांडी में ये जल्दी से लग जाता है, इसलिए आप इसको दरमियान में देखते रहें। पानी ड्राई हो गया इसका, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिल्कुल हमारा जो तमाम मटीरियल था वो इसमें गल चुका है, इसकी हम अब थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसमें जो है वो ड्राई हो जाए। बहुत मज़े का ये सालन जो है ना वो रेडी होगा। 1 tablespoon इसमें ये हमने क्रश्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, पेस्ट नहीं है, क्रश्ड ही है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। दो से तीन मिनट पकाएं इसको, पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लें। पानी इसका ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 1/2 cup के करीब दही ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दही ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। गरम मसाला 1/2 teaspoon हमने ऐड किया है। गरम मसाला हमने पहले कोई ऐड नहीं किया था इसमें, एंड में ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हमारा जो सालन है वो बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया है। ये देखिए, इसको आप जो भी आप इसके ऊपर डालना चाहें, अदरक के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत मज़ेदार। ये देखिए, एक आप जब एक नवाला आप लेंगे उसमें 3 से 4 पीस आराम से आ जाएंगे। बहुत मज़े का, आपको कोई मसला नहीं होगा इसको खाने में। बहुत मज़े का ये हमारा जो है, इसमें लिवर है, इसमें लंग्स हैं, इसमें हार्ट है, ये हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया। बड़ी ईद के हवाले से बहुत मज़े का, इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ख्याल रखिए। बड़ी ईद आने वाली है,
दूसरों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।